गुड मॉर्निंग 9th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम जीटी शेट विद्यालय, वेरी वार्म वेलकम अगेन इन वीडियो लेक्चर सीरीज। ओके गाइस, आज हम अपने वीडियो लेक्चर में व्याकरण का एक मुद्दा, उसके बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है कहावतें। आपने गुजराती भाषा में भी कहावतें पढ़ी है और हिंदी में भी कहावतें पढ़ी है, तो आज हम कहावतों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। हिंदी की टेक्स्ट बुक में तीसरा जो व्याकरण का मुद्दा है वो है कहावतें, तो आज हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। मैं आशा रखती हूँ आप पुस्तक में से पेज नंबर 38 और 39 पर कहावतें लिखी हैं वो सब पढ़ लेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ओके गाइस, किसी घटना संबंधित अपनी बात असरकारक तौर से प्रस्तुत करने के लिए जिस वाक्यांश का प्रयोग होता है उसे कहावतें कहते हैं। कहावतें का एक दूसरा नाम है लोकोक्ति, यानी कि लोक और उक्ति दो शब्द से ये शब्द बनाए हैं, यानी कि लोग में से मिली हुई उक्ति, या लोग ज़्यादातर किसी घटना के साथ बार बार जिसका प्रयोग करते हैं ऐसी उक्ति उसे लोकोक्ति कहते हैं। तो कहावतें का संबंध किसी घटना से है और उस घटना से उस कहावत का ऐसा संबंध हो जाता है कि फिर बार बार उसी विषय की जब बात करते हैं तो उस वाक्यांश का प्रयोग करते हैं जिसे हम कहते हैं कहावतें। अपनी बात अच्छी तरह से प्रस्तुत करने के लिए या अपने साथ हुई घटना का क्रम या संदर्भ या उसकी असरकारकता दिखाने के लिए कहावतें का प्रयोजन होता है। आप पेज नंबर 38 पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ही अच्छी तरह से कहावतों के बारे में बताया गया है। कहावत कहाँ उपयोग में आती है, कैसे वो बनती है, ये सब चीज़ें पेज नंबर 38 के प्रारंभिक 2-3 पैराग्राफ में आपको समझाई है। जैसे यहाँ पे दूसरे पैराग्राफ में, पेज नंबर 38 के दूसरे पैराग्राफ में कहा है कि कोई कार्य बहुत ही सुंदर या बहुत ही अच्छी तरह से प्रस्तुत करना हो तो उसे कहावतों के साथ जोड़ा जाता है, और कभी कभी कहावत की प्रस्तुति इतनी असरकारक होती है कि वो बात का अर्थ सादे वाक्य सिंपल वाक्य रचना से अगर समझ में नहीं आता तो कहावतों का यूज़ करके उस चीज़ को बहुत ही प्रस्तुत यानी कि इफ़ेक्टिव तौर पे प्रस्तुत किया जाता है, उसमें कहावतें बहुत ही उपयोगी होती है। और एक कहावत का दूसरा शब्द है लोकोक्ति, वो दो शब्द से बना हुआ शब्द है, लोक एवं उक्ति। तो लोक एवं उक्ति जो संधि करते हैं उसका शब्द होता है लोकोक्ति, यानी कि लोक संबंधी उक्ति उसे लोकोक्ति भी कहते हैं, जिसका अर्थ लोक में प्रचलित उक्ति होता है, यानी कि कहावतें और लोकोक्ति दोनों एक ही हैं, वो दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। तो जब कभी बार बार लोग किसी वाक्यांश का प्रयोग करते हैं और उसका अर्थ फिर निश्चित हो जाता है, इस तरह से कहावतें अस्तित्व में आती हैं, लोकोक्ति अस्तित्व में आती है। इसका सर्जन कोई लेखक या सर्जक नहीं करता, लेकिन किसी संदर्भ में बार बार उस वाक्य का, वाक्यांश का या शब्द समूह का प्रयोग करते करते फिर उस चीज़ से उस शब्दांश का या वाक्यांश का अर्थ जुड़ जाता है, फिर वो कहावत का स्वरूप लेती है। जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे प्रमुख कहावतें हमारी हिंदी भाषा में जो महत्व की यानी कि प्रमुख यानी कि इम्पॉर्टेंट जो कहावतें हैं उसका लिस्ट यहाँ पे दिया गया है। जैसे अंत भले का भला, अच्छे काम करने का परिणाम अच्छा होता है। फिर दूसरी कहावतें अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा, यानी कि अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन। ऐसी अगर कोई बात हमें किसी को कहनी हो तो अगर इस कहावत को उसमें सम्मिलित करें तो वो बात असरकारक तौर से सामने वाला समझ जाता है। फिर एक तीसरी कहावत है अंधी पीसे कुत्ता खाए, यानी कि काम करे कोई और फल किसी और को मिले, तो ऐसी चीज़ की ऐसी बात का अर्थ अगर निकालना हो तो ये कहावत का प्रयोग करते हैं कि अंधी पीसे कुत्ता खाए। और चौथी कहावत है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि हानि हो जाने पर पछताने से कोई लाभ नहीं है। कहावतों में अर्थ का प्रयोग नहीं करना है, कहावती का प्रयोग करना है,
ये बात याद रखनी है। यहाँ पे अर्थ हमें समझने के लिए दिए गए हैं कि इस कहावत का कहाँ प्रयोजन होता है। तो इस चीज़ में अगर ऐसा अर्थ आपको प्रस्तुत करना है तो ये कहावत इसके लिए प्रॉपर है, इसलिए उनके अर्थ आपको समझाए गए हैं। और एक कहावत देखते हैं, जैसे मार के पीछे भूत भागे। अगर ये कहावत कहाँ प्रयोग होती है, जहाँ ऐसा अर्थ हो कि किसी की तरह से समस्या का हल करना। अगर कोई मुश्किल आए उसका समस्या का हल करना, कोई भी तरीका यूज़ करो लेकिन उसका हल करो, अगर ऐसा भावार्थ आपको कहीं प्रस्तुत करना है तो आपको इस कहावत का प्रयोग करना चाहिए, मार के पीछे भूत भागे। आपको हिंदी में कहावत समझाइए, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में, तो आपको इसका अर्थ लिखना है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक कहावत दी गई हो और नीचे 3-4 ऑप्शन उनके अर्थ के दिए गए हो, आपको सही अर्थ की जोड़ मिलानी है या सही अर्थ का विकल्प चुनना है। तो इस तरह से कहावतों का अर्थ समझना बहुत ही आवश्यक है। फिर और एक कहावत है, जैसे आँख का अंधा नाम नयन सुख, यानी कि गुणों के विरुद्ध का नाम होना। तो इस कहावत का संबंध अगर ऐसी चीज़ों से हो जिसमें बात कुछ और हो और उसका वर्णन किसी और चीज़ से किया गया हो, तो आप लिख सकते हैं कि आँख का अंधा और नाम नयन सुख। और एक कहावत है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, यानी कि अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। यानी कि हरि भजन को आ रहे थे और फिर ओटन लगे कपास, किसी सामान्य काम में जुड़ गए, जो काम महत्व का था वो तो भूल गए लेकिन और किसी काम में जुड़ गए। अगर ऐसी बात आपको बतानी हो तो इस कहावत का प्रयोग करें। फिर और एक कहावत है, एक पंथ दो काज, यानी कि एक साधन से दो काम होना, एक पंथ दो काज। ऐसी कोई घटना आपको अगर वर्णन करनी हो तो जैसे कि मैं उस तरफ गया था, सामने से वो मिल गए तो एक साथ दोनों काम निपट गए, ऐसी बात करनी हो तो आपको इस कहावत का प्रयोग करना चाहिए कि एक पंथ दो काज। फिर पेज नंबर 39 पर भी बहुत सारी कहावतें हैं, जैसे है कंगाली में आटा गीला, यानी कि मुसीबत में और मुसीबत आना। आटा गूंदने बैठते हैं, एक तो आटा कम होता है उसमें पानी ज़्यादा पड़ जाता है, तो आटे में पानी ज़्यादा पड़ने से और आटा डालना पड़ता है, लेकिन आटा तो है ही नहीं, यानी कि कंगाली यानी कि गरीबाई में आटा गीला, यानी कि पानी ज़्यादा होने से आटा गीला हो जाता है। इसका अर्थ ये है कि मुसीबत में एक और मुसीबत जुड़ गई। जैसे काम के लिए निकल रहे थे लेकिन रास्ते में ही कार में पंचर हो गया, तो आप कंगाली में आटा गीला, ये कहावत का प्रयोग कर सकती हैं। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेले, इसका अर्थ है दो व्यक्तियों की स्थितियों में अंतर। एक साधारण व्यक्ति की तुलना किसी और व्यक्ति से की जाए, बड़े व्यक्ति से, तो कह सकते हैं कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेले। और एक कहावत है, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, यानी कि ये सब भाग्य की विचित्रता है। अगर कुछ काम करने जाए हमें 100% यकीन हो कि ये काम हो ही जाएगा, लेकिन बीच में कुछ ऐसा व्यवधान आ जाए, समस्या आए, काम न हो पाए, तो हम कह सकते हैं ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। तो फिर एक और कहावत भी है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, यानी कि छल कपट तथा चालाकी से एक ही बार काम निकला जाता है। अगर चूल्हे पर काठ यानी कि लकड़ी की हांडी रखे तो हांडी तो जल ही जाएगी, लेकिन एक बार अगर हांडी रखे लकड़ी की तो चूल्हे में वो जलती जलती एक बार जो अनाज उसमें रखा है ना, वो एक बार पकता है, बाद में तो हांडी पूरी जल जाएगी। यानी कि हर बार ऐसे छल कपट से हर बार कुछ काम नहीं होते, तो इसके लिए ये कहावत है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। और फिर खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, यानी कि लज्जित या अपमानित होकर इधर उधर रोष प्रकट करना। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अगर बिल्ली को कोई शिकार नहीं मिलता ना तो वो बहुत ही ऐसे अपना रोष प्रकट करके ऐसे खंभा या कुछ ऐसी ज़मीन के पास ऐसा कॉर्नर आता है ना, उसे खुदाती रहती है, यानी कि अपना रोष प्रकट करती है, तो लज्जित हो जाते हैं या कभी कभी मुश्किल परिस्थिति में निराश हो जाते हैं या फेल हो जाते हैं, तो हम धुंधला जाते हैं, किसी और पर गुस्सा करने जैसा हो जाता है, तब ये लिखते हैं खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। फिर और एक कहावत है, घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी कि आसानी से प्राप्त हुई वस्तु को अधिक महत्व नहीं दिया जाता।
अगर आप हमारे वीडियो लेक्चर अच्छी तरह से नहीं देखते तो ये कहावत यहाँ आती है, घर की मुर्गी दाल बराबर। देखिए बहुत ही हम मेहनत करके ध्यान रख के वीडियो लेक्चर बनाते हैं, आपको देखने चाहिए। जो आसानी से प्राप्त होता है वो भी मूल्यवान होता है, इस कहावत का अर्थ ये है। चार दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी कि थोड़े समय का सुख। तो ऐसे कुछ बात आपको अगर कहीं पे प्रस्तुत करनी हो या निबंध में लिखनी हो तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि कुछ समय का सुख था, इसके लिए आप कहावत लिख सकते हैं चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। और एक कहावत है छछुंदर के सिर में चमेली का तेल, यानी कि अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ मिल जाना। पात्रता न होने पर भी कभी कभी नसीब से किसी व्यक्ति को अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, तब ये कहावत का प्रयोग होता है कि छछुंदर के सिर पर चमेली का तेल। झाको राखे साइयां मान सके ना कोई, जिसका रक्षक भगवान है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ईश्वर सबके आशीर्वाद, ईश्वर सबको अपना आशीर्वाद देते हैं, ईश्वर सबके रक्षक होते हैं। तो झाको राखे साइयां मार सके ना कोई, दुश्मन चाहे कितना भी कर ले लेकिन ईश्वर अगर हमारे साथ हो तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इस कहावत का ये अर्थ है। फिर है डूबते को तिनके का सहारा, यानी कि विपत्ति में जरा सी भी मदद मिल जाए ना तो वो विपत्ति दूर हो जाती है। एक छोटी सी स्टोरी भी आपको पता है कि वो एक छोटी सी चींटी एक पॉन्ड में लेक में गिर गई थी, तो आकाश में से उठते उठते पीजन ने कबूतर ने उसे देख लिया और एक छोटा सा पत्ता डाला, उसमें वो चींटी चढ़ गई। तो डूबते को तिनके का सहारा, बहुत सारी मुश्किलें आ जाए उसमें कुछ एक ऐसी सहाय मिल जाए, मदद मिल जाए तो अपना काम हो सकता है। नाम बड़े दर्शन छोटे, प्रसिद्ध अधिक किंतु तत्व कुछ भी नहीं। कुछ लोग आप देखते हैं ऐसे होते हैं जिसमें कोई पात्रता नहीं होती लेकिन वो अपने आप को बहुत ही बड़ा जड़ाकर प्रस्तुत करते हैं जैसे उसको ही सब कुछ आता हो, तो इसके लिए ये कहावत है नाम बड़े और दर्शन छोटे। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी कि गुण न होने पर बहाना बनाना या दूसरों को दोष देना। जैसे किसी व्यक्ति को अगर बोले कि आप गाना गाओ तो उसे गाना आता ही नहीं लेकिन वो ऐसा बोलेगा नहीं नहीं माइक नहीं है, ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मैं कैसे गाऊं, ऐसे तो मेरा गाना कोई सुन नहीं पाएगा। तो उसके लिए ये कहावत है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। और पर उपदेश कुशल बहु तेरे, यानी कि दूसरों को उपदेश देने में सब चतुर होते हैं। किसी को अगर सीख देनी हो ना तो सब तैयार हो जाते हैं, किसी को उपदेश देना हो ना तो सब तैयार हो जाते हैं। तो इसीलिए पर उपदेश कुशल बहु तेरे। और बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, यानी कि आने वाला दुख आकर ही रहता है। तो यहाँ पे ये कहावत का अर्थ ये है कि जब हमारे नसीब में अगर कुछ ऐसी विटंबनाएँ लिखी है तो वो आती है, उसका स्वीकार करने लेना चाहिए। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। और पेज नंबर 40 पर भी तीन कहावतें हैं, मन चंगा तो कठरोती में गंगा, यानी कि हृदय में पवित्रता हो तो घर में भी तीर्थ यात्रा का लाभ मिल सकता है। भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर में बार बार जाने की आवश्यकता नहीं है, मंदिर में ज़रूर जाएं जब आपके पास समय हो अथवा अवसर हो, लेकिन बार बार मंदिर में जाने से ही भगवान नहीं मिलते। मन चंगा तो कठरोती में गंगा। होनहार वीरवान हो के होत चिकने पात, यानी कि योग्य व्यक्ति के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं। होनहार वीरवान के होत चिकने पात, बच्चे जब छोटे हैं ना होते हैं ना तभी से उसमें कुछ कुशलता माँ बाप को दिखाई देती है। तब ऐसी अगर ऐसा अर्थ कहीं प्रस्तुत करना हो तो इस कहावत का प्रयोग करें। फिर है हाथ कंगन को आरसी किया, यानी कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जो चीज़ में जो व्यक्ति कुशल है उसके लिए किसी और की सिफारिश की कभी ज़रूरत नहीं, यानी कि हाथ कंगन को आरसी किया। अगर कंगन देखने हैं तो हम अपने आँखों से देख सकते हैं, उसके लिए हमें मिरर की आवश्यकता नहीं होती। तो इस तरह से टोटल 26 कहावतें आपको इस पूरे टेक्स्ट बुक में समझाई गई है, और भी लेसन के बाद कहावतें टिप्पण के बाद दी गई है, उसका भी अभ्यास करें, इसका भी अभ्यास करें। और कहावतों के बारे में आज हमने बहुत सारी डिटेल में बात की है। मैं आप सबको विदित करना चाहूँगी कि आप ये कहावतें जैसे 26 कहावतें हैं ना, वो कहावत और उनका अर्थ जो ब्रैकेट्स में दिया गया है वो उसका विवरण नहीं,
वो आपको हिंदी व्याकरण के सेक्शन में लिखना है अपनी प्रैक्टिस के लिए। ओके गाइस, अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, अभ्यास में मन लगाएं। तो इसी के साथ आज मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।